हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान साइंस अकेडमी, जहाँ पे हम लोग सभी एजुकेशन अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो गाइज, वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है, उसके लिए आप जो है वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट में हम लोग बात करेंगे अन अकेडमी के बारे में। अगर मैं आपको बताऊँ कि मैं भी खुद एक एडुकेटर हूँ एट अन अकेडमी, और यहाँ पे जो है अभी डिस्काउंट जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर हम लोग बात करेंगे 3 मंथ के, तो जो सब्सक्रिप्शन है 33% डिस्काउंट, अगर आप कोड यूज़ करते हो तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाता है। वैसे 6 मंथ का आपको 28% और एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाता है। बहुत सारे बच्चों को फ्री भी बहुत सारे कोर्सेस मिल रहे हैं। अगर बात करेंगे प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में, तो जो भी 7th, 8th, 9th, 10th के बच्चे हैं वो भी प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट ईजीली दे सकते हैं। सबके लिए ये वैलिड टेस्ट है। यहाँ पे टेस्ट देने के बाद क्या होगा, तो बहुत ही अच्छे आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, लाइक मैकबुक एयर, आईपैड, आईफोन, अमेज़ॉन एको, अमेज़ॉन के कुछ वाउचर्स। यहाँ पे जो है नया बैच 23rd of Feb से शुरू हो रहा है, जिसका नाम है अल्फ़ा अचीवर्स बैच। लास्ट टाइम भी कुछ टॉप एडुकेटर्स यहाँ पे से, ये साल भी बहुत ही अच्छे एडुकेटर यहाँ पे है, जो कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में एक्सपर्ट बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। अगर आपने एनरोल नहीं किया तो एनरोल करो, एनरोल के लिए कोड यूज़ करो ओमकार_96। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे विंटर के बारे में, जो हॉल टिकट है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा था डाउट कि हॉल टिकट आएगा नहीं आएगा, या हॉल टिकट नहीं आए तो क्या चांसेस है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, हॉल टिकट ऑफिशियली आ चुका है। विंटर 2021 एग्जामिनेशन जो कि 28th of Feb से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, रिगार्डिंग डाउनलोडिंग एंड नेम लिस्ट हॉल टिकट एंड सीट समरी, तो आपको जाना है MUHS एग्जामिनेशन थियरी एग्जाम्स हॉल टिकट सीट समरी नेम लिस्ट वहाँ से डाउनलोड करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखने हैं, जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है हॉल टिकट ड्यूली साइन होना चाहिए। ड्यूली साइन मतलब दो साइन, एक तो आपका स्टूडेंट का, HOD का, एंड कॉलेज के डीन का। ठीक है, तो कॉलेज के डीन का भी होना इम्पॉर्टेंट है। द कॉलेज इज रिक्वेस्ट टू रिकन्फर्म फुलफिलमेंट ऑफ अटेंडेंस, तो आपका अटेंडेंस जो है 75% होना चाहिए, कॉलेज ने वो रिकॉर्ड आगे दिया हुआ चाहिए। अदरवाइज अभी तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपका रिजल्ट विथ हेड बताएगा बाद में अगर कुछ भी इशू हुआ तो। ठीक है, फिर इफ़ स्टूडेंट इज़ नॉट फाउंड एलिजिबल फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट देन नेसेसरी टू एंटर एंट्री ऑन हीज एंड हॉर हॉल टिकट NE नॉट एलिजिबल। सपोज किसी बच्चे का अटेंडेंस नहीं है, किसी ने फीस पे नहीं किया, या कोई भी अदर रीज़न है, तो वहाँ पे रेड पेन से NE नॉट एलिजिबल लिखा होना चाहिए। अगर नहीं लिखते एग्ज़ाम देते हैं तो बाद में रिजल्ट विथहेल्ड बताएगा। इफ़ एनी स्टूडेंट इज़ फाउंड नॉट एलिजिबल इन ऑल सब्जेक्ट देन हॉल टिकट ऑफ सच स्टूडेंट शॉल नॉट बी इशू। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा भी है कि सब सब्जेक्ट में ही एलिजिबल नहीं है, तो उनको हॉल टिकट देना ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉलेज का ये सब। इन केस ऑफ नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑल एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलेज। ठीक है, तो कॉलेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेम करेक्शन कैसे करना है, अगर आपका हॉल टिकट के ऊपर रॉन्ग नेम है तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट जो कि HSC का रहता है वो सबमिट करना है। ओके, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस ओरिजिनल हॉल टिकट शुड बी सेंड फॉर नेम करेक्शन, इंपॉर्टेंट टू नोट। ये जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन ग्रांटेड एलिजिबिलिटी बाय द यूनिवर्सिटी, उनका जो है विथहेल्ड बताएगा। ओके, बाकी जो है बेसिक ड्रेस कोड वगैरह आपको बताइए। नर्सिंग के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही जो कि ऊपर थे, वो कि 50% आपका होना चाहिए एग्रीमेंट, एग्रीगेट जो परसेंटेज है 50% होने चाहिए। ओके, इंग्लिश में जो है स्टूडेंट मस्ट सिक्योर 40 मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट, ये सब कुछ एलिजिबिलिटी है नर्सिंग के लिए। गाइस, अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, इसके अपने दोस्त के साथ भी ज़रूर शेयर करो। और हॉल टिकट रिलीज हो गया है तो ऑल द वेरी बेस्ट। विज्ञान साइंस अकेडमी इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करो, जहाँ से आपको हर एक अपडेट मिलता जाएगा। थैंक यू सो मच।